विगत 9 वर्ष से अपने धान के भुगतान के लिए भटक रहे किसानों को अब एक उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। जिस धान खरीद को पीसीए विभाग ने अवैध घोषित कर भुगतान देने से इनकार कर दिया था, उसी खरीद को जिलाधिकारी ने जब दोबारा जांच कराया तो वह खरीद वैध पाई गई। और अब सीएमआर न जमा करने वाले मिलर्स की संपत्ति को नीलाम कर ऐसे किसानों को भुगतान दिया जाएगा जिनके पास 6R और विभाग द्वारा दिया गया चेक मौजूद है। इससे संबंधित पत्र डीएम ने प्रमुख सचिव सहकारिता को भेज दिया है। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसानों को उनका बकाया भुगतान जल्द ही प्राप्त होगा। अनुराग चौधरी, ईटी अम्बेडकर नगर।